हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम शिफ्ट हुए हैं वेडनेसडे को, लेकिन अभी तक हमारा काम बहुत बाकी है। सो आज है संडे, तो आज हम लोगों ने सोचा कि अलीशा का रूम और जो बाकी का जो फर्नीचर है वो असेंबल करेंगे। तो आज पिनाक बने हैं कारपेंटर। क्या खा रहे हो? गिरा गिरा के कितना हुआ काम? ड्राई फ्रूट्स। तो जर्मनी में आके मिस्टर पिनाक बन गए हैं कारपेंटर। ये देखिए, डाइनिंग टेबल का चेयर तक असेंबल करना पड़ता है यहाँ पे खुद से सब करना पड़ता है। तो आप लोग अगर जर्मनी या मैक्सिमम फॉरेन कंट्री में खुद ही करना पड़ता है, अगर आप लोग विदेश शिफ्ट होने के प्लानिंग में है तो प्लीज थोड़ा कारपेंटर का कोर्स कर लीजिए आने से पहले। जैसे पिनाक ने नहीं किया था ये कोर्स, तो उनको बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आप लोग अगर ट्रेनिंग ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। चेयर वगैरह भी पूरा टुकड़ों में आता है, देखिए इतना सिंपल सा चेयर, कम से कम पूरा चेयर ही लेके आ जाते। इतने बड़े गाड़ी में आए थे उन लोग फर्नीचर लेके, चेयर को भी तोड़ तोड़ के देने का क्या जरूरत था, अब इसको भी असेंबल करो। देखिए किस तरह से अब मिस्टर पिनाक करेंगे असेंबल। वेल डन मिस्टर पिनाक, आपने चेयर बना ही दिया आखिर में। तब बहुत ही अच्छा कारपेंटर बन चुके हैं। बाय द वे, डाइनिंग टेबल चेयर डन। वाओ, वेरी नाइस। अब बाकी का फर्दर बात करेंगे, थोड़ा रेस्ट ले रहे कारपेंटर साहब। सिर्फ चार चेयर बना के उसमें अलीशा बैठ रही है। बाहर का वेदर भी बहुत क्लाउडी है, क्लाउडी तो है ही, साथ में इतना ठंड है। मार्च के एंड तक तो लगा था हमें कि समर आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट से जो हालत हुआ है, कल तो स्नो भी था, थोड़ा बहुत स्नो भी गिरा था, स्नो शावर, तो अप्रैल में फिर से ठंड आ गई। पता नहीं ये समर आएगा भी या नहीं। अभी कॉफ़ी टेबल असेंबल करेंगे पिनाक, तो उसको खोल रहे हैं। अलीशा बैठ के अपने टीवी में है मगन। ये है हमारे घर में एक बंदर। नो, बिल्डर। बिल्डर, यू आर ए मंकी। तो कारपेंटर मेरे हेल्प भी ले। लाइफ इन जर्मनी टीच यू एवरीथिंग। नाउ अलीशा ऑल्सो हेल्पिंग हर डैड ना अलीशा। Slowly, slowly. Yes. Very good. Well done, Alisha. Good job. Wow. ये कारपेंटर भी आया साथ में। दो दो कारपेंटर। ऐसा अच्छा लग रहा है। ये देखो कौन है हमारे घर पे। ईशा बेटी। यहाँ पे आई मेरी फ्रेंड। तो वंदना प्रसाद का लड्डू भी लेके आई है मेरे लिए, उसने घर पे प्रसाद के लिए बनाया था, तो बहुत ही यम्मी लड्डू। बेचारी खाना भी बना के लाई है मेरे लिए। मेरा किचन असेंबल नहीं हुआ, लेकिन मैं बना लेती फिर भी, वो इतना सब कुछ करके लाई है कि मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ राइस बनाया मैंने। डाइनिंग टेबल हो गया। Thank you.
डाइनिंग टेबल में खाना खा रहे हैं हम लोग, नए असेंबल वाले डाइनिंग टेबल। बहुत मेहनत से लगा है ये, मेहनत मेहनत से हम लोग फलाफल खा रहे हैं, फल मिलता है हमें, फलाफल मिला है। ए, दोनों को देख वंदना, दोनों को देख, दोनों बेबी। मालिशा बोली कैन यू कैरी मी एंड माय क्यूटी पाई, बन के छोड़ दी है क्यूटी पाई, अभी चली जाएगी हम लोग को छोड़ के। उसको ब्लैंकेट रखा ना, उसमें रहता है, उसको ढाक देना। हाँ, अगर ज्यादा था। चले गए फ्रेंड्स, बहुत हेल्प किया उन्होंने आने के बाद बेचारे। और बाहर तो इतना ठंड, मैं क्या बोलूं, जब हम आए थे जर्मनी में वैसा ठंड है। और 11 बजने ही वाले हैं और अभी गए उन लोग फॉरेन में आके। अगर ऐसा फ्रेंड्स मिल जाए तो रिलेटिव्स की कमी नहीं होती। आई एम सो लकी कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले यहाँ आके, कि सब लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं। हम लोग शिफ्ट कर रहे घर, तो हर कोई, तो जितने फ्रेंड है सब पूछ रहे कोई हेल्प चाहिए, ऐसा नहीं पूछ रहे, कर भी रहे हेल्प। आई एम सो लकी सीरियसली। ऐसे फ्रेंड्स मिल जाए तो फिर रिलेटिव्स की कमी नहीं होती है। हम आ गए घर उनको छोड़ के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चलो बाय करो।